अगर आपके पास बजट कम है, 5 से 6 लाख रुपए है, तो आप इस मकान को बड़े आराम से आप बना सकते हैं दोस्तों। इस मकान की अगर हम बात करें तो 23 मतलब फ्रंट जो है 23 फीट है और लेंथ जो है 18 फीट है। 23x18 में एक प्लान बना है जिसमें आपका एक पोर्च का हिस्सा 9x6 ये पोर्च आपका एक्स्ट्रा रहेगा। तो इसका मैं एक एक डिटेल बताऊंगा, तो पूरा वीडियो अंत तक देखें। चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है। तो मैं अलग अलग कलर ऑप्शन आपको दिखा देता हूं। फिलहाल आप इस तरीके से इस कलर ऑप्शन में व्हाइट कलर में इस तरीके से देख सकते हैं। इसको थोड़ा साइड से आप प्लान को देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर एक विंडो है और इस साइड में आपका सीढ़ी है। यहाँ पर खिड़की नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इधर सीढ़ी गया है, यहाँ पर खिड़की नहीं लगा सकते, इसलिए यहाँ पर किनारे पर प्लास्टर से एक डिज़ाइन बनाएगी, इससे थोड़ा सा लुक बेहतर आ रहा है। दूसरे कलर ऑप्शन में आप देख सकते हैं, अगर कॉलम को रेड कलर में कराते हैं और इसको लाइट इस तरीके से ग्रीन कलर में कराते हैं तो इस तरीके से दिखेगा। बाकी ये कलर ऑप्शन देख लीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कलर कौन सा अच्छा लगा। दूसरे कलर ऑप्शन में भी आपको इस तरीके से ये दिखेगा और ये आपका एक तीसरा कलर ऑप्शन। तो ये कुछ कलर ऑप्शन आपको इस तरीके से मिल गए। चलिए अब इसका पहले वॉक अराउंड वीडियो आपको दिखाते हैं और कमेंट करके जरूर बताएं कि प्लान कैसा लगा। प्लान देख लीजिए, 23x18 में आपका 23x18 में इस तरीके से प्यारा सेलिब्रेशन यहाँ पे डिज़ाइन किया है, जिसमें सामने आपका इस तरीके से पोर्टिको का डिज़ाइन दिया है दोस्तों। ऊपर रेलिंग की बात करें तो इसमें खपड़ैल मॉडल का रेलिंग यहाँ पे दिया गया है, जिसमें ईंट और ग्रिल के साथ हमने रेलिंग को डिज़ाइन किया गया है दोस्तों। लेफ्ट और राइट में क्लाइंट का ओपन स्पेस है, बैक साइड में क्लोज है, तो यहाँ पे बैक साइड में कोई भी खिड़की वगैरह नहीं दिया गया है दोस्तों। इस तरीके से आप देख लीजिए, लेफ्ट और राइट में यहाँ पे ओपन एरिया इस तरीके से रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें दोस्तों, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है दोस्तों। तो ये वाला डिज़ाइन देख लीजिए जो प्लास्टर से बनेगा। बाकी पोर्च का डिज़ाइन, इसका एक एक डिटेल साइज़ वगैरह मैं सब कुछ बताऊंगा, तो पूरा वीडियो अंत तक देखें। यहाँ पे पोर्च का भी डिज़ाइन आप देख लीजिए, इस तरीके से राउंड शेप में आपका डिज़ाइन रहेगा। बाकी ये खिड़की का डिज़ाइन आपको इस तरीके से मिल जाएगा, ये खिड़की आपको इस तरीके से मिल जाएगी, इसमें ऊपर आपका ईंट और ग्रिल के साथ यहाँ पे रेलिंग का डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। और ये गुमटी की बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से गुमटी का डिज़ाइन आपको सिंपल सा मिलेगा दोस्तों। तो ये पूरा डिटेल वीडियो है, चलते हैं साइजेस की तरफ और आपको एक एक साइज़ एक एक डायमेंशन वगैरह हम यहाँ पे क्लियर कराते हैं दोस्तों। प्लान की बात करें तो फ्रंट 23 फीट है, लेंथ 18 फीट है, 23x18 में आपके इस तरीके से प्लान को बनाया गया है, जिसमें आपका पोर्च आपका 6x9 में आपका इस तरीके से पोर्च का साइज यहाँ पे रखा गया है दोस्तों। पोर्च का डिज़ाइन भी एक बार समझ लीजिए, मकान की हाइट यहाँ पे फिलहाल मैंने 2.5 फीट रखा है। इसके बाद आपको 8 फीट कॉलम कास्टिंग करना है इस तरीके से, ठीक है, ये भी 8 फीट कॉलम कास्टिंग करना है। टोटल हाइट जो है 11 फीट है, कुर्सी लेवल मैंने 2.5 फीट रखा है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। टोटल हाइट 11 फीट है, जिसमें आपका 8 फीट कॉलम में कास्टिंग किया गया इस तरीके से। इसके बाद ये 3 फीट में आपका इस तरीके से डिज़ाइन को बनाया गया दोस्तों, ठीक है। इसको कैसे बनाए हैं, पहले 2 फीट इसको सीधा किया गया इस तरीके से, उसके बाद ये राउंड शेप में इस तरीके से आर्च मॉडल में 6 इंची ऊपर फिर 6 इंची डाउन करके फिर इसको राउंड से इस तरीके से मिलाया गया दोस्तों, ठीक है। इसे थोड़ा सा राउंड शेप बनाया गया है, फिर आगे 6 इंची, उसके बाद यहाँ पे सेंटर में आपका इस तरीके से कर्व मॉडल में ये डिज़ाइन बनाया गया, और ये कर्व आपके 6 इंची छत से डाउन रहेगा दोस्तों। और ये 2 इंची इसकी थिकनेस है, सॉरी ये 3 इंची इसकी थिकनेस है, और इसको आगे मैंने 4 इंची से 5 इंची आप कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको 5 इंची यहाँ पे रखा है, साइड में सीधा रखा है, कल सीधा इस तरीके से, यही सेम मॉडल इस तरीके से रहेगा। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे खिड़की नहीं दिया जा सकता क्योंकि सामने सीढ़ी आ रहा है। ये आपके प्लास्टर से डिज़ाइन बनेगी, प्लास्टर डिज़ाइन कैसे बनाना है, 2 फीट 6 इंची सीधा कर लेना है, 1 फीट इसको सीधा, फिर 2 इंची गए, फिर 1 फीट सीधा, फिर 2 इंची गए, फिर इस तरीके से आपका इसको बनाना है। बाकी साइड की खिड़की की अगर बात करें तो 4x5 से आपका खिड़की का डिज़ाइन यहाँ पर रहेगा, 4 फीट चौड़ाई 5 फीट ऊँचाई, और ये डिज़ाइन आपके खिड़की का रहेगा। इसमें आपको 2 छज्जे इस तरीके से बना लेने हैं, 1 फीट 1 फीट 2 इंची, और ये इस तरीके से आपका मोल्डिंग के साथ ये डिज़ाइन रहेगा। 2 कॉलम या आपको पाइप से कास्टिंग करके 2 कॉलम से सपोर्ट कर लेना है दोस्तों। अब नीचे भी आपको इस तरीके से प्लेट है, लेफ्ट और राइट में आपके यहाँ पे खिड़की का डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। ऊपर गुमटी की बात करें तो यहाँ पे आपको एक खिड़की का डिज़ाइन गुमटी में रहेगा, बाकी इस तरीके से डिज़ाइन आपका रहेगा दोस्तों। तो ये इस तरीके से पूरा प्लान का एलिवेशन वगैरह डिटेल वीडियो है, चलते हैं इसकी स्लैब हटाएंगे और अंदर का डिटेल आपको बताएंगे। फ्रंट से आप एंट्री करेंगे, आपका पोर्च एरिया, इसके बाद रहेगा आपका मेन गेट। मेन गेट आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से, मेन गेट से एंट्री करेंगे तो छोटा सा हॉल एरिया, यहाँ पे दिया है सीढ़ी। सीढ़ी की ऊँचाई आपकी 7.5 इंची रहेगा, ध्यान दीजिएगा, सीढ़ी की ऊँचाई 7.5 इंची, थ्रेड 10 इंची है, सॉरी 9 इंची है, थ्रेड यहाँ पे 9 इंची रखना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा हम लंबाई चौड़ाई नहीं ले सकते, स्पेस कम है, ठीक है। थ्रेड 9 इंची, सीढ़ी की ऊँचाई 7.5 इंची, और ये चौड़ाई 2 फीट 10 इंची। और जब यहाँ पर लैंडिंग बनेगी, जो ये आपकी चौखट बनेगी, इसमें आपको 2 पार्ट इस तरीके से कर लेना है, तभी आपकी सीढ़ी एडजस्ट हो पाएगी और ये इस तरीके सबका एक पूरा सीढ़ी हो पाएगा। इधर की बात करें तो यहाँ पे किचन, पीछे आपको 2 बेडरूम इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा। स्लैब लगाने के बाद आपको इस तरीके से दिखेगा, तो मतलब 2 BHK का सेट पूरे इसमें बनाया है। तो चलिए साइजेस की तरफ और आपको साइज कंफर्म कराते हैं। फ्रंट 23 फीट है, लेंथ 18 फीट है, पोर्च एरिया 6x9 का, जिसमें कॉलम आपका एक्स्ट्रा है, दोनों कॉलम आपके एक्स्ट्रा है, तो मतलब 6x9 में अलग से कॉलम दिए गए हैं बाहर बाहर, ठीक है।
हॉल एरिया 6 फीट 4 इंच x 8 फीट 1 इंच का। यहाँ पे किचन की बात करें 6 फीट 4 इंच x 5.5 का, 10x10 का ये आपका बेडरूम, और 10 फीट 11 इंच x 10 फीट का आपका ये वाला बेडरूम, 2 फीट 10 इंच में सीढ़ी, लंबाई 7 फीट 4 इंच, इस तरीके से रहेगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों इस प्लान का। ये छोटा सा वीडियो, छोटा सा प्लान, छोटा सा एलिवेशन आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। नक्शा बनाना तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करके नक्शा बना सकते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो के अंदर, तक दे लेता हूँ, धन्यवाद दोस्तों।